الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذرع أخرج شتعه فآذر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा ना करे खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा ना करे हमारे मुंह में हो ऐसी जुबां खुदा ना करे।
Now I would like to call Miss Alina Niaz for Nate Rasule Maqbool. Walayka ya Rasul Allah, wa salam alayka ya Habib Allah. As-subhu bada min twala. Now, I warmly welcome to the founder and CEO of the Great Institute Moralities, who has received Corporate Ambassador Award from the Ambassador of Brazil, Islamabad, and also the Best Motivational Speaker Award from Hunarmand Times Lahore, Sir Ijaz Ali, to please come on the stage and welcome our guest and give a brief profile of the moralities. Sir, please come on the stage. Bismillahir Rahmanir Rahim Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूलुल्लाह वला अलैका व सहाबीका उम्मतिका या हबीबल्लाह। जी अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से हैं। और ये हमने तो एक मुख्तसर सी और एक पुरवकार तकरीब रखी थी, ड्यू टू कोविड आपको पता है कि थोड़े से इशूज़ हमारे चल रहे हैं और बड़ी देर से हम ये प्रोग्राम करना चाह रहे थे, लेकिन इस अनसर्टेनिटी की वजह से जो हमारे मुल्क में है कुछ पता नहीं चलता हमें, कि सुबह उठें और पता चले कि लॉकडाउन हो गया है। और ये हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं इनके साथ तो खासकर ये हो रहा है, उसके कई मसाइल भी आ रहे हैं। तो इसका सारा जिम्मेदार हम हुकूमत को भी नहीं कह सकते, कुछ हमारे में मसाइल हैं जो हम सेल्फ़ डिसिप्लिन का बिल्कुल हम ख्याल नहीं करते और हर चीज़ जो है हम नसीब में और किस्मत पर डाल देते हैं, जबकि अल्लाह ताला को नज़ीर में फरमा रहा है कि लैसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो हम कोशिश में बहुत पीछे रह जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आप लोग तशरीफ़ लाए, और मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है, और सबसे ऑनर की बात मेरे लिए इसलिए भी है कि यहाँ पे दो ऐसी शख्सियात तशरीफ़ रखती हैं जिनमें से एक का तल्लक़ उस इदारे से है जहाँ पे मुझे भी पढ़ने का शरफ़ हासिल हुआ, मेरी मुराद प्रोफेसर रज़ाउल्लाह हैदर साहब, मुल्क के नामवर शायर, सदारती अवार्ड याफ्ता, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज उकाड़ा। सर थैंक यू वेरी मच आप तशरीफ़ लाए। और दूसरी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने उस टाइम पे मुझे उस रास्ते पे चलना सिखाया जब शायद मैं इतना मैच्योर भी नहीं था। अब कह सकते हैं कि मैट्रिक एक्स्ट्रा लेवल होता है कि आपको अपनी डायरेक्शन का सही तरह से पता नहीं चलता। तो मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं अपने किसी प्रोग्राम में उस शख्सियत को ज़रूर बुला सकूँ जिनसे मैंने तालीम हासिल की है। और आज मुझे खुशी है इस बात की कि मैं कामयाब हुआ, अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त दी मुझे कि उनमें से एक शख्सियत यहाँ पर बैठी हैं। मेरी मुराद सर गुलाम दस्तगीर साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर एडरमन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी। सर थैंक यू वेरी मच आप तशरीफ़ लाए। बाकी मेरे और दोस्त बैठे हैं, सलमान कुरैशी साहब हैं, सर थैंक यू, नदीम जाफरी साहब थैंक यू वेरी मच, चौधरी अब्दुल मजीद साहब इनको हमने रिक्वेस्ट की तशरीफ़ लाए, मिस ससमा बैठी हैं, प्रिंसिपल एजुकेटर स्कूल थैंक यू वेरी मच मैम, खालिद चौधरी साहब हैं। खालिद चौधरी साहब का नाम मैंने जानबूझ के एंड पे रखा है कि ये मेहमान होने के साथ साथ मेज़बान भी हैं, कि जब हम यहाँ पे ये पहले ई लाइब्रेरी में प्रोग्राम किया करते थे तो अनफॉर्चुनेटली वो ई लाइब्रेरी बंद हो गई ड्यू टू सर्टन रीजंस। ये ओवरऑल यहाँ पे हम कोई ऐसी बात तो नहीं करना चाहते, लेकिन बदकिस्मती है कि बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट स्पेशली जो हमारी कौम की बेहतरी के लिए होते हैं वो अक्सर सियासत की भेंट चढ़ जाते हैं। तो और जगह के ऊपर हम उस तरह से काट नहीं लगाते, लेकिन इस तरह की चीज़ों के ऊपर हम शायद बजट का आंसर कह लें, कुछ भी कह लें, तो वो बंद हो गया। तो इन्होंने हमें मोस्ट वेलकम कहा यहाँ पे और ये जगह हमें यहाँ पे दी, और आज हम यहाँ पे बैठ के, ये हमारा एक पहला प्रोग्राम है। अभी आप देख रहे होंगे कि इसको हमने प्रॉपर उस तरह से तो नहीं तैयार कर सके, लेकिन हम चाह रहे थे कि इस चीज़ को हम मज़ीद लेट ना करें, तो ये साथ साथ चीज़ें होती रहेंगी। बाकी यहाँ तक मैंने अपने टीचर्स के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया, इसकी एक बड़ी वजह है, मेरा ईमान है कि जो तालीम आपको अपने उस्ताद का रिस्पेक्ट करना या अदब करना नहीं सिखाती, वो आप ज़हन में रख लें कि वो तालीम आपको कभी भी काबिल इज़्ज़त नहीं बना सकती। यहाँ पे मैं आपको इब्ने इंशा, बड़ा नाम है हमारे उर्दू अदब में, आप बुक्स में भी उनके बारे में पढ़ते रहते हैं, वो बताते हैं कि एक दफ़ा एक कॉन्फ्रेंस में गए टोक्यो यूनिवर्सिटी जापान। तो यहाँ मैं ये ऐड कर दूँ कि जितने भी मुल्क तरक्की याफ्ता हैं, जो हम समझते हैं कि बड़ी तरक्की कर ली है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ आप कामन देखेंगे। वो कामन क्या चीज़ होगी कि वहाँ पे उस्ताद का एक मकाम है, वहाँ पे उसकी रिस्पेक्ट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे अपने मुआशरे में उस तरह से अपने असातिज़ा की रिस्पेक्ट नज़र नहीं आती। और आप ये देखेंगे कि मैंने आज ख़ास तौर पर अपने गेस्ट जो बुलाए हैं सारे एजुकेशन से तल्लक रखते हैं, और आप लोग जो सामने जो तशरीफ़ रखते हैं आप भी एजुकेशन से ही तल्लक रखते हैं, कुछ पढ़ाने वाले और कुछ पढ़ने वाले। वैसे तो इंसान सारी ज़िंदगी स्टूडेंट रहता है। वो कहते हैं कि जब टोक्यो यूनिवर्सिटी में मैं गया, वहाँ पे एक सेमिनार था, वो सेमिनार जब ख़त्म हुआ तो हम लोग एक वहाँ पे टोक्यो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे उनके साथ मैं बाहर लॉन में खड़ा गप लगा रहा था, तो हमने देखा कि कुछ लड़के जो पीछे से गुजर रहे हैं वो जंप लगा के गुजर रहे हैं। तो हमें ये चीज़ बड़ी अजीब लगी
कि ये बच्चे हमारे पास से जंप लगा के क्यों गुजर रहे हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आई, तो मैंने उन प्रोफेसर साहब से पूछा कि जी ये बच्चे हमारे पास से आके पीछे से सही तरह से चलते आ रहे हैं, हमारे पास से जंप लगा के क्यों आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सूरज की वजह से हमारा साया पीछे पड़ रहा है, तो वो इस साए के ऊपर पाँव नहीं देना चाहते, इसलिए वो जंप लगा के गुजर रहे हैं। तो इस तरह का एक उस्ताद का मकाम जब मुआशरे में हो तो यकीन करें वो ना तो कौम पीछे रह सकती है ना वो मुल्क पीछे रह सकता है। तो ये हमारा बेसिक गोल होना चाहिए अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये एक बेसिक सी चीज़ है। इसके बाद मैं थोड़ी सी आपसे गपशप लगाऊंगा, आप लोगों का रोज़ा भी, हम इसको लंबा नहीं करना चाह रहे, हमारा प्लान भी यही था कि हम इसको घंटे डेढ़ का रखेंगे। तो थोड़ी सी गपशप के बाद मैं फिर आपसे थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन कहूँगा मोरालिटीज़ का। और लास्ट ईयर में जो हमारी परफॉर्मेंस रही, गो के वो पूरा साल तो नहीं था, 4 to 5 months से ड्यू टू कोविड बंद हो गया सारा सिस्टम, तो उसमें जो हम कर सके अपना रोल प्ले कर सके सोसाइटी की बेहतरी के लिए वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तो आप लोग एक्टिव हैं ना, पक्की बात है, कोई टेंशन तो नहीं है। अच्छा, खुश कितने लोग हैं आज, जो खुश हैं ज़रा हाथ ऊपर करें। सारे खुश हैं, अच्छा कह सकते हैं स्माइलिंग फेसेस हैं, लेकिन मैं जिस खुशी की बात कर रहा हूँ उस खुशी की तलाश में आपको पूरी दुनिया नज़र आती है। तो कौन सा बंदा है जो खुश नहीं होना चाहता, कोई है दुनिया में? सारे खुश रहना चाहते हैं, लेकिन आपको अपनी सराउंडिंग में कितने लोग खुश नज़र आते हैं, कभी गौर किया आपने? हर बंदा किसी ना किसी परेशानी में मुबतला है, एक्चुअली हम खुश नहीं हैं। ये हम एक इजहार तो कर देते हैं, वो एक माशाल्लाह से बीइंग मुस्लिम हमारा एक जवाब बड़ा ज़बरदस्त है, ये भी एक मोटिवेशन होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, तो लेकिन उसके पीछे एक बड़ी फिल्म चल रही होती है। तो बी रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल, क्योंकि ये चीज़ आप जहन में रखें कि जब इंसान जब तक अपनी गलती तस्लीम नहीं करता तब तक वो तौबा नहीं कर सकता, क्योंकि तौबा के लिए शर्त है कि आप अपनी वीकनेस को, अपनी गलती को, अपनी गुनाह को तस्लीम कर लें, वरना तो आप जब गलती तस्लीम ही नहीं करेंगे तो तौबा किस बात की। तो मेरी कोशिश होती है कि प्रैक्टिकल बातें, प्रैक्टिकल चीज़ें अपने ऑडियंस से शेयर करूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम हैप्पी नहीं हैं इन रियलिटी, हम इजहार ज़रूर करते हैं लेकिन उसकी वजूहात हैं, कभी उसके ऊपर हम गौर शायद इस वजह से नहीं करते कि हम इस चीज़ को मानते ही नहीं हैं कि मैं ना खुश हूँ, उसको भी शायद हम एक कम्प्लेक्स फील करते हैं। लेकिन मैं आपसे, वैसे तो बहुत सारे इसके आंसर हो सकते हैं, जो मेन इशू है वो है कि हम में शुक्रिया कहने की जो आदत है वो नहीं है। अगर हम, मैं आपको स्टार्ट से कर लूँ तो पहले मैं आपको खुशी का एक फार्मूला बताता चलता हूँ। इसका भी जैसे आप मैथ में फार्मूले पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ते हैं, खुशी का भी एक फार्मूला है, वो क्या है कि जो चीज़ आपके पास है उसको चाहना और जिसको चाहते हो उसको अपने पास रखना। बड़ा सिंपल है, इसके ऊपर आप गौर करेंगे तो आपको समझ आएगी कि जो चीज़ें हमारे पास हैं उनकी कदर नहीं है, और जिनको हम चाहते हैं थोड़े ही अरसे के बाद उसकी कदर भी कम हो जाती है। मैं थोड़ा सा लाइफ साइकिल के लिहाज से प्रैक्टिकल एक चीज़ आपसे शेयर करूँगा कि जब हम बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, पहले तो हमारे पास साइकिल नहीं होती, हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि साइकिल मिल जाए तो मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा ही है जी, स्पेशली जो स्टूडेंट्स पीछे बैठे हैं, साइकिल मिल जाती है इंसान खुश होता है, लेकिन कितनी देर, महीना, 2 महीने, 3 महीने, उसके बाद कहता है कि यार सारे दोस्तों के पास मोटरसाइकिल है, मुझे मोटरसाइकिल मिल जाए तो मेरी मेन खुशी मुझे मिल जाएगी, फिर मैं परेशान नहीं होगा, मोटरसाइकिल मिल जाती है, वो खुश होता भी है लेकिन कितनी देर, 2 से 3 महीने, और तब तक वो मोटरसाइकिल जब बाहर जाती है वापस आके भी कपड़ा लगता है, बड़ी साफ़ की जाती है और जाने से पहले भी बड़ी चमकाई जाती है, और फिर वो टाइम भी आता है कि इंसान उतनी को सीट पर कपड़ा लगाता है जहाँ पर बैठना होता है, अगर किसी ने पीछे बैठना है तो वो खुद उसके ऊपर कपड़ा लगाए, फिर उसकी अहमियत कम हो जाती, ऐसा क्यों होता है? इससे आगे आ जाएं, फिर हमारी होती है कि अब मैं ये डिग्री कर रहा हूँ, ये डिग्री मुझे मिल जाए तो मेरी सबसे ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा, कामयाब होता है इंसान, मेहनत करता है, डिग्री मिल जाती है,
लेकिन चंद दिन के बाद वो डिग्री की खुशी गायब हो जाती है, क्योंकि अब जॉब के पीछे हैं। उसके बाद सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है कि या अल्लाह जॉब मिल जाए तो मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, जॉब मिल जाती है, इंसान खुश होता है कितनी देर? महीना, दो महीने, डिपेंड करता है, कई तो 15 दिन के बाद ही उसे तंग आ जाते हैं। और क्या कहते हैं, सुबह जब उठना पड़ता है, आज फिर जागना पड़ेगा, छुट्टी नहीं है, अब फिर जाना पड़ेगा। ओ भाई, शुक्र कर तू उठ गया है। कितने लोग हैं जो बेचारे उठना चाहते थे, आज नहीं उठे। तेरे पास कहीं जाने के लिए जगह है, लेकिन ऐसा नहीं है। और जब नया साल आता है तो सबसे पहले हम कैलेंडर को देखते हैं, और कभी कोई छुट्टी संडे को आ जाए तो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, यार ये तो ज्यादती है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये हमारी ख्वाहिशात हैं, शुक्रिया अदा करने की ना आदत जो है, ये हमें आगे लेके जा रही है। अच्छा, उसके बाद हमारी खुशी फिर कंडीशनल हो जाती है, फिर हम कहते हैं कि या अल्लाह मेरी शादी हो जाए तो मैं बहुत खुश हूँगा, और फिर जिससे मैं चाहता हूँ उससे हो जाए, फिर तो मेरी ज़िंदगी की कोई टेंशन है ही नहीं। और वो खा लड़का है या लड़की है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच है उसके लिए। अगर पेरेंट्स कह दें कि बेटा ये रिलेशन ठीक नहीं हो सकता, आप यहाँ पर नहीं, वो कहते हैं जी आपको पता ही नहीं है, मुझे पता है, मेरी ज़िंदगी का मकसद ही इसके साथ है। दोनों साइडों पे ये बात होती है, आपको पता ही नहीं है, आप लाइफ तो मैं गुजारना चाहता हूँ। चलें जी, पेरेंट्स तंग आके वो शादी भी कर देते हैं, फिर वो खुश होता है कितनी को देर, और आफ्टर फ्यू मंथ्स वो कह रहा होता है कि जिससे तुम अकेला ही अच्छा था, नए दाम में पड़ गया हूँ। ये प्रैक्टिकल बातें हैं कि नहीं है जो हम फेस करते हैं? क्या बात है, क्या क्यों ऐसे होता है? अच्छा, फिर जब शादी नहीं हुई होती, सारा दिन कंपनी के जो पैकेज है ना, वो कंपनी कहती मेरा सबसे अच्छा कस्टमर ये है, तो सारे पैकेज इस्तेमाल ही वो होते हैं, और जो रातों के स्पेशली पैकेज दिए हुए हैं वो आम बंदे के तो इस्तेमाल में नहीं होते, तो वो पैकेज सारे वो जो इस एज में लोग होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जब शादी हो गई फिर कोई घर बात करने को दिल ही नहीं करता, फिर घर से कॉल आ जाए तो आगे से मैसेज होता है जी बिजी कॉल यू बैक, ठीक है जी, और फिर वो कभी नहीं होती। और घर जाते हुए शुरू शुरू में तो वो ज़रूर पूछता है, हाँ जी कैसी हो, खुश हो, कोई चीज़ तो नहीं चाहिए, लेकिन आफ्टर फ्यू मंथ्स कुछ नहीं। क्या पूछता है इंसान, कोई बिल तो नहीं आया, कोई फी की स्लिप तो नहीं आई, उसका हाल चाल कुछ नहीं है। वो एक सेशन में मैंने ये बात की तो एक साहब खड़े हो गए, वो मुझे कहते कि सर एक बात करनी है। मैंने कहा जी ज़रूर करें, मैं इतना बोल रहा हूँ तो आप भी बोल रहे हैं, आपका राइट है। तो कहते जी हम उनसे कैसे पूछें, हाँ जी खुश हो, तो मैंने कहा जी क्या हर्ज है? कहते जी हमें पता है आगे से जवाब क्या आना है, तो मैंने कहा जी क्या आना है? कहता जी उसने यही कहना है, तेरे साथ और खुश। तो ये रियलिटी है, तो भाई हमने किया ही ऐसे है, क्योंकि हम इस चीज़ को कभी फोकस ही नहीं करते कि ये भी मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद है। अच्छा, शादी हो गई, कुछ अरसे के बाद क्या होता है, फिर हमारी खुशी ख़त्म हो गई, फिर हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो या अल्लाह मेरे साथ फलां की शादी हुई थी, दो दो बच्चे हो गए हैं, मेरे पास अभी बच्चा कोई नहीं, तो बच्चे के लिए दुआ की जाती है। ज़ाहिर है कि बच्चों औलाद हर इंसान की ख्वाहिश होती है, और उससे बड़ी खुशी भी कोई नहीं, अल्लाह ताला औलाद दे देता है, फिर वो बहुत खुश होता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम, आपको तो ये एक्सपीरियंस हुआ है ना, कोविड में जब स्कूल बंद रहे हैं तो बच्चों की कैसी कैसी कंप्लेंट्स आई होंगी उनके वालदैन की कि हमारी जो जान अजाब में डाल दी है स्कूल बंद करके। हर घर में होता है ना ऐसे कि चक्रों में डाल दिया, स्कूल वाले जो थे ना वो उन्होंने काबू करके रखा हुआ था। अच्छा, फिर क्या हमारा शिकायत हमारी क्या होती, शुक्रिया तो हमने क्या अदा करना कि या अल्लाह ये क्या दे दिया है, सारे ढूंढ ढूंढ के निकम्मे मेरे घर में पैदा किए हैं। वो भाई जब कोई एप्लीकेशन दी थी, जो अल्लाह से दुआ की, तो उसमें लिख देता कि या अल्लाह कोई VVIP, कोई PhD करने वाला, कोई मुझे इंटेलिजेंट सुपर इंटेलिजेंट बच्चा दे। तब तो ये था कि या अल्लाह बस दे दे, काला नीला पीला जैसा भी है बस दे दे। अब हो गया है तो अब ये इतराज़ है कि ये इंटेलिजेंट नहीं है, हालांकि वो इंटेलिजेंट भी होता है, वो मसाइल हम में होते हैं, लेकिन हम वो कभी बच्चों को टाइम ही कितना देते हैं, फिर ये शिकायत हो जाती है। तो मुझे आप ये बताएं कि बच्चे से हम शुरू हुए थे, बच्चों पे आ गए हैं, कहीं पे खुशी नज़र आई आपको? कहीं पे भी नहीं, शिकवे ही हैं, अल्लाह का शुक्रिया नहीं अदा करते कि या अल्लाह मुझे क्या दिया, वो मेरे साथ वाले कितना कुछ दे दिया।
तो ये वो चीज़ें हैं। अब इसका हल क्या है? असल चीज़ तो हल है ना, ये तो प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम इसी अप्रोच के साथ रहेंगे तो ये याद रखें, आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी बन जाएंगे तो आप फिर भी खुश नहीं होंगे। आप आफ्टर 1-2 मंथ्स उससे भी तंग आ जाएंगे कि क्या ज़िंदगी है, कोई आज़ादी नहीं है। तो इसका एक ही हल है, वो हल क्या है कि शुक्रिया अदा करना सीखें। आज मेरा आपसे एक छोटा सा मैसेज है, आज आप ये सोचें, बीइंग अ चाइल्ड या बीइंग अ पेरेंट या बीइंग अ एम्प्लॉई ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, आप ये एक चीज़ जहन में रख लें कि हम हमेशा दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड नहीं करते। आज से आप ये सोचें, बीइंग अ चाइल्ड, कि मैं आज ऐसा क्या करूं कि मेरे वालदैन को, मेरे पेरेंट्स को मेरे ऊपर फ़ख्र महसूस हो। ये आप सोचें और फिर वो ऐसा करें, उसका रिजल्ट देखिएगा। बीइंग एन एम्प्लॉई, अगर आप किसी इदारे में जॉब करते हैं तो ये आज आप सोच लें कि मैं आज ऐसा क्या करूं कि मेरा इदारा मेरे से खुश हो जाए। बीइंग अ हस्बैंड, आप ये सोच लें कि आज मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी मिसेज मेरे से थोड़ा और खुश हो जाए, वो मेरा शुक्रिया अदा कर दे। और बीइंग अ मिसेज, आप ये सोच लें कि आज मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा खामंद घर आए तो वो मेरे हैप्पी फील हो। और मज़े की बात यह कि जब आप अपनी मिसेज को थोड़ा भी खुश करते हैं, एक फ़ायदा भी होता है, एक नुकसान भी होता है। फ़ायदा क्या होता है कि नई नई डिशेज आपके लिए बनती हैं, वो बड़े शौक से बनाती है। नुकसान क्या होता है? जेब पे नज़र होती है फिर कि अब नया खर्चा क्या करवाना है। तो ये चीज़ें आपने मेंटली, ये चीज़ें जहन में रखनी हैं। तो जब तक आप शुक्रिया अदा करना नहीं सीखेंगे, शुक्र करना नहीं सीखेंगे, आपकी ज़िंदगी में खुशी नहीं आ सकती, आप जहाँ मर्जी पहुँच जाएँ। अच्छा जी, एक मुझे चीज़ दिखाएं, कितने लोग हैं जिनकी ये फिंगर इस तरह से मूव करती है? सारों की कर रही है, लेकिन कभी इसका एहसास किया आपने? हमारे एक दोस्त थे, उनका एक्सीडेंट हुआ, उनकी ये वेन आर्म की डैमेज हो गई और उनकी ये फिंगर की मूवमेंट जो है वो स्टॉप हो गई। डॉक्टर्स ने कहा कि जिसका ऑपरेट होगा और कम से कम 1.5 लाख रुपया इसका एक्सपेंस आएगा। वो उसका ऑपरेट हुआ, वो एक्सपेंस हुआ। अच्छा, उसके बाद कोई आफ्टर 1 मंथ या 2 या 3 वीक्स उसकी फिंगर ने थोड़ी सी ऐसे, अभी पूरी मूव नहीं किया, वो बंदा इतना हैप्पी, सारे दोस्तों को फ़ोन करके कह रहा है कि यार शुक्र है मेरी उंगली ना थोड़ी थोड़ी हिलना शुरू हो गई है। अच्छा, हमारी क्योंकि हिल रही है, बगैर किसी वजह के हिल रही है, कोई अहमियत ही नहीं, पूरा बाजू हिल रहा है। और वो तब आप देखें कि वो थोड़ी सी जिसको भी मिल रहा था, यार देखो मेरी उंगली हिल रही है। आप ये जहन में रख लें कि अगर नहीं हिल रही ना तो 1.5 लाख का। तो इसलिए हर चीज़ जो आपको अल्लाह ने दी है उसकी कदर करनी सीखें और उसका शुक्र अदा करना सीखें। ये तो होगी खुशी के वाले से। अब एक थोड़ी सी चीज़, क्योंकि आप भी तालीम से तल्लक रखते हैं, काबिले एहतराम असातिज़ा भी तशरीफ़ रखते हैं, आज हम लोग पीछे हैं। हम इन चीज़ों का बहुत नाम लेते हैं कि जी अंग्रेज़ ने यहाँ पे सड़कें बनाई थी, बहुत कमाल की बनाई थी, वैसी आज तक नहीं बनी। पुल बनाया था जी, तब का सही खड़ा है, उसके बाद हमने 3 बनाए थे, 3 गिर गए हैं। अच्छा, उसने किए काम ऐसे, लेकिन एक चीज़ आपसे छीन ली। क्या मुझे आपको बता सकते हैं कि उसने कोई अच्छा रिसर्च सेंटर भी यहाँ पर बनाया हो मुल्क में? आप आगे, आपको वो नंबर गेम में डाल के चला गया, डिग्री नंबर, नॉलेज हम कहीं भूल गए। तालीम आपको कभी भी तरक्की याफ्ता नहीं बनाती, ये आप जहन में रख रहे हैं। तरक्की याफ्ता होने के लिए नॉलेजेबल होना ज़रूरी है। कुरान और हदीस में जितना को मुझे पढ़ने का मौका मिला है, मुझे तो वहाँ एजुकेशन का, तालीम का लफ्ज़ ही नज़र नहीं आया। वहाँ पर एक ही लफ्ज़ मिलता है, नॉलेज, इल्म। तो तालीम एक प्रोसेस है टूवर्ड्स नॉलेज। जब तक तालीम के साथ तरबियत नहीं आएगी, अदब नहीं आएगा, आप नॉलेजेबल नहीं होते। वरना आप देख लें कि हमारे एजुकेटेड जो लोग हैं, अच्छे भले पढ़े लिखे, अच्छी डिग्रियां हैं उनके पास, किसी बड़े से बात करने की तमीज़ नहीं है। एक उस्ताद का क्या मकाम है उसका कोई पता नहीं है,
छोटों से बात कैसे करनी है कोई पता नहीं है। अब किसी भी रोड पे चले जाएं, सबसे पहली टेंशन जो आपको मिलती है वो ट्रैफिक है। ये ऐसा नहीं है कि सारे अनपढ़ लोग हैं, बड़े बड़े एजुकेटेड लोग आपको नज़र आते हैं। एक गाड़ी में एक बंदा बैठा है, आप कभी उसकी क्वालिफिकेशन तो पूछें, मास्टर्स है जी, कुछ चीज़ खा रहा है, रैपर बाहर फेंक रहा है। हालांकि तालीम तो बनीशल सी है कि सफाई निसफ ईमान है, वो सफाई किधर है? अगर आप नॉलेजेबल हैं, आपको पता है कि सफाई निसफ क्यों ईमान है, आप कभी ये रैपर बाहर नहीं फेंकेंगे। और नॉलेजेबल होने के लिए ज़हन में रखें, कोई डिग्री होना ज़रूरी नहीं है, नॉलेज आपके करेक्टर से रिफ्लेक्ट होता है। तो इसमें मैं समझता हूँ कुछ असूर बदकिस्मती के साथ सर हमारे इदारों का भी है। हमने वो ए प्लस ग्रेड और 100% मार्क्स, वो भाई को मशीनें थोड़ी हैं कि जिस फार्मूला लगा दिए 100 में से 100 ही आने हैं। नॉलेज किधर है? कंसेप्ट्स नहीं है, ऐसा नहीं। अब हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी कोई नहीं है, इदारों को अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं, हम डिग्रियाँ उठा के फिर रहे हैं। वजह क्या है? हमने एजुकेशन दे दी, ए प्लस ग्रेड दे दी, ये डिग्रियाँ हमारे पास हैं, इंटरव्यू हम कंडक्ट करते हैं, पल्ले कख नहीं है। किताब के अलावा कुछ पूछ लें, कुछ पता ही नहीं, क्या ये नॉलेज का लेवल है हमारा? एक काम उसने और किया, अंग्रेज़ ने हमें सड़कें दे गया, जो मैंने आपको पहले बात की, ग़ुलाम ज़हनी तौर पे हमें बना के गया वो। आज भी हम भागते हैं बाहर आला स्टडी के लिए, वहाँ भी उसका एक गेम प्लान है। वो हमें स्कॉलरशिप भी देता है, वो स्कॉलरशिप इसलिए नहीं देता कि हमसे बहुत मोहब्बत है उसको, वो हमारी क्रीम चाहता है, जो शाइनिंग स्टार है वो वहाँ चाहता है। और आप अपना एनालिसिस कर लें, जितने आपके लोग पीएचडी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाके पढ़ते हैं, कितने लोग वापस आते हैं? जो थोड़े वहाँ पे निकम्मे होते हैं वो तो आ जाते हैं, वो बेचारे फिर यहाँ फारिग फिरते हैं। जो अच्छे रिसर्च वाले, जो कुछ करने वाले लोग हैं, वो उनको वहाँ पे इतनी अच्छी ऑफर देता है कि वो वापस नहीं आते। और हम एक तरफ रोने रोते रहते हैं कि हम आगे नहीं बढ़, आगे बढ़ेंगे कैसे? आपको अपनी यूथ पे वर्क करना पड़ेगा, उनको नॉलेज देना पड़ेगा। इस्लाम ने इंसान को दो टूल्स दिए हैं, वो सिंपल से टूल्स हैं। एक तो अब तक हम उसी को यादा पढ़ते रहे, हम सिर्फ एक ही टूल पे रहे, और ये दूसरा टूल भूल गए। वो टूल क्या था कि इंसान क्या है जी, जानवरों में इंसान में फ़र्क क्या है, क्या फ़र्क होता है जी? आप लोगों का जवाब होगा जी, अकल दी है इंसान को, जानवरों को नहीं दी। ये पूरा जवाब ही नहीं है। विजडम भी दी और नॉलेज भी दिया। फरिश्तों से मुमताज़ करने वाली चीज़ इंसान को नॉलेज था। अल्लाह ने इंसान को वो नॉलेज दे दिया, उन चीज़ों को फरिश्तों को नहीं दिया था, तो इसलिए इंसान की प्रायोरिटी हो गई। हम एक चीज़ आप और दिन में रख लें कि अगर आप विजडम भी कह रहे हैं तो बगैर नॉलेज के आपकी विजडम कभी बेहतर नहीं हो सकती। दिमाग है ना, तो एक बच्चे के पास भी है, वो बच्चा छोटा होता है तो वो शीशे की तरफ देख के क्यों लड़ता है? जब आईने में खुद को देखता है तो मारता है कि भाई कोई और चीज़ है। जब उसको नॉलेज आता है तो उसका विजडम का लेवल बढ़ता है, फिर वो हटता ही नहीं है आईने से, उसके बाल ही ठीक नहीं होते, उसको पता है ये मैं ही हूँ। ये फ़र्क है। तो विजडम और नॉलेज, ये दोनों टूल्स पे जब तक हम काम नहीं करेंगे, यकीन करें हमारे आने वाली नस्लें भी यही रोना रोती रहेंगे जो हम रो रहे हैं। मेरी कुछ बातें शायद कुछ लोगों को लगती हों कि ये मायूसी वाली हैं, कह सकते हैं आप, लेकिन प्रैक्टिकल है, उसको जुटला नहीं सकते। आज भी हमारे पास अपने पुराने हीरोज़ पे बात करने के लिए कुछ है, नए क्या है आपके पास? इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जो कर दिया, कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने जो कर दिया, कर दिया, उसके बाद क्या है आपके पास? हर इदारा आपका धक्का स्टार्ट है। किसी इदारे में आप खुद एक्सपेरिमेंट कर लें, किसी इदारे में आप चले जाएं और खुश होकर बाहर निकल आएं। 5 साल जेन में आप ना वो बुरी बातें सोच के आएंगे कि इधर तो ना ही आना पड़े। वो हमें से लोग हैं, हमें लोग इसका पार्ट हैं। तो या तो फिर ये हो कि हम हर तकरीब में बस पुराने वो हमारे जो लोग हैं, हमारे अबाजदाद हैं, उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने बहुत अच्छा किया, आज हम यहाँ बैठे हैं, आज़ाद सांस ले रहे हैं, लेकिन क्या हमारी ड्यूटी ख़त्म हो गई? हमने इस मुल्क का हाल क्या कर दिया है? आगे बढ़े हैं या पीछे चले गए हैं? तो प्रैक्टिकल होके, जब तक मैंने पहले कहा आप अपनी गलतियों को नहीं देखेंगे आप कभी ठीक ही नहीं होंगे, तो इसलिए पहले हमें अपनी गलतियों को देखना है, इसके ऊपर काम करना है।
तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो एजुकेशनल इदारे हैं वो भी इसके ऊपर अपना रोल प्ले करें। बीइंग अ पेरेंट्स, हमने गलत सोच लिया है, स्पेशली जो हमारे मुआशरे का मर्द है वो समझता है कि मेरा काम सिर्फ और सिर्फ कमा के बच्चों को देना है और बस। हालांकि ऐसा नहीं है, वो बच्चा आपका है, आप नहीं उसको कामयाब बनाना है। अब सारा कुछ स्कूल पे नहीं छोड़ सकते, एक वो बच्चा जिसको आप घर पे कुछ टाइम नहीं देंगे वो स्कूल में भी अच्छा नहीं हो सकता। हर रिलेशन की एक लिमिटेशंस हैं। तो दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहता हूँ कि बच्चों के ऊपर जो आप पैसा खर्च करते हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। कुछ लोग समझते होंगे वो आपका एक्सपेंस है, तो आपको पे बैक इन्वेस्टमेंट करती है, एक्सपेंस नहीं करता। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? बच्चों को टाइम देना। तो बच्चों को टाइम देंगे तो फिर ही आप उनसे एक्सपेक्ट करेंगे। आज कितने पेरेंट्स हैं जिनकी ये शिकायतें हैं, हम ये करते हैं, लोग हमारे पास आते हैं कि बच्चे टाइम ही नहीं देते। भाई जो बोया है वही काटेंगे, हमने बच्चों को टाइम देना सिखाया ही नहीं। आज मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के खाना नहीं खाऊंगा, उनको टाइम नहीं दूंगा, तो उनकी हैबिट में ये चीज़ शामिल नहीं है। मोटिवेशन अल्फाज से नहीं होती, ये करैक्टर से होती है। और चिल्ड्रन जो हैं डोंट एक्ट ऑन एडवाइसेस, दे फॉलो एक्शंस। अगर आप खुद सोए में और बच्चे को कह रहे हैं कि बेटा उसके नमाज पढ़ लो, वो शायद आपके कहने पे पढ़ भी लेगा, लेकिन वो एक सी चीज़ ज़रूर जहन में सोचता है कि अगर इतनी इंपॉर्टेंट होती तो खुद क्यों नहीं पढ़ रहे। उसकी अपोजिट साइड पे अगर आप खुद पढ़ते हैं तो बच्चा भी आपके साथ मसले के ऊपर खड़ा होता है। तो ये मेरा एक छोटा सा पैगाम था, आई होप के कुछ ना कुछ इससे लर्न आपने ज़रूर किया होगा। अब मैं आपसे थोड़ा हमारी जो परफॉर्मेंस थी पिछले साल में जो हमने 4 to 5 months में की है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक तो मैं थोड़ा मिस ने कहा कि इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दे दें। मोरेलिटीज़ बेसिकली लाइफ कोचिंग सेंटर है। आप जितना कुछ भी कर रहे हैं बॉडी के लिए कर रहे हैं, आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, यही कुछ करते हैं ना, जितना कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, ये हार्डवेयर के लिए है। इंसान दो चीज़ों पे मुश्तमिल है, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। ये जो मोबाइल है इसका हार्डवेयर अगर ऊपर से थोड़ा डैमेज भी हो जाए, इसका सॉफ्टवेयर ठीक है तो ये आपके लिए यूज़फुल है। लेकिन आप इस हार्डवेयर को जितना मर्जी नया रख लें और सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी भी गड़बड़ पैदा हो जाए तो ये आपके किसी काम का नहीं होता। ऐसे ही है, हमने कभी गौर किया कि इंसान को अल्लाह ताला ने दो चीज़ों से बनाया है, एक बॉडी और एक रूह। रूह हमारा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, बॉडी हार्डवेयर है, और हार्डवेयर को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया है, और इसकी सारी खुराक का तल्लक भी मिट्टी से ही है। आप जो पहन रहे हैं एट द एंड उसका तल्लक मिट्टी से है, आप जो खा रहे हैं उसका तल्लक मिट्टी से है, इसकी ग्रोथ भी मिट्टी से ही है। इसके लिए तो हम सारा कुछ कर रहे हैं, अपने सॉफ्टवेयर के लिए क्या कर रहे हैं? आपका जो हार्डवेयर है वो आपके सॉफ्टवेयर के ताबे है। ये बाजू मूव करता है किसी भी तरफ, इस सॉफ्टवेयर से इंस्ट्रक्शन आती है तो करता है। कहीं पे आपने जाना है, पहुंचना है, ये मेंटली आपको तैयार करेगा तो आप जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। कभी हमने इसके ऊपर गौर नहीं किया। हम लोग मायूस नाकाम इसलिए हो जाते हैं कि हम सिर्फ हार्डवेयर को यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं करते। हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है इन चीज़ों का। क्या ये कितनी बदकिस्मती की बात है, हमने कुछ छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना हो तो बाहर की फर्म्स हायर करती हैं लेबर हमारी, वो फर्म्स क्या करती हैं, सिर्फ कंसल्टेंसी देती हैं और अरबों डॉलर ले जाती हैं। हम आज भी ट्रकों के ट्रक आलू बाहर भेज रहे हैं और वो एक ट्रक आलू को जाता है तो इतने से डॉलर आते हैं मुल्क में, और वो लोग इतनी सी चिप बनाते हैं और हमें इतने रुपए देने पड़ते हैं। क्यों हम रिसर्च नहीं कर रहे? हम डिग्रियों के पीछे पड़े हैं, नॉलेज को छोड़ दिया है। नॉलेज के लिए ज़रूरी है कि रिसर्च हो, तरबियत हो, जो आप कुछ आपके पास है वो आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्शन दे, आप कुछ कर सकें। बदकिस्मती है ना कि आप उसी आलू से एक 10-20 रुपए का आप लेज का लेते हैं पैकेट, जिसमें आधा आलू भी नहीं होता पूरा,
और अगर आप कॉस्ट निकाल लें, क्योंकि मैंने फूड टेक्नोलॉजी भी पढ़ी है, एक पैकेट के ऊपर पैकिंग की और मार्केटिंग की कॉस्ट 2 से 2.5 रुपए है, और यही बड़ी कॉस्ट है। जो उसके अंदर आलू है ना, उसकी कॉस्ट पैसों में होगी शायद, जब आप उसका निकालेंगे तो। और आपको वो 10 रुपए का दे रहे हैं, 8 रुपए अर्न कर रहे हैं। एक वो हमारा फार्मर जो उसके ऊपर 4 महीने 5 महीने इतनी एफर्ट करता है, इतनी लेबर देता है, वो कुछ भी नहीं कमाता। ये सिचुएशन आ जाती है कि वो बेचारे को बाहर फेंकना पड़ता है। हम रिसर्च नहीं करेंगे तो यही मसाइल होंगे। तो आज का मेरा यही मैसेज है। अच्छा जी, लास्ट जो हमारी परफॉर्मेंस थी उसमें हमने कोई अल्हम्दुलिल्लाह इस कामर्से के अंदर 5 एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस थे वहाँ पे हमने स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ सेशन किए हैं, और इनमें बड़े अच्छे नाम हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा है, गौतम है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, UCMT है हमारा, गवर्नमेंट कॉलेज उकाड़ा है, यहाँ से तशरीफ़ लाए हैं। तो इन इदारों में हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया कि हम वहाँ पे जाके अपने स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ सेशन कर पाए। फिर 6 ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी हमने टीचर्स की ट्रेनिंग करवाई हैं। इनमें अस्पायर कॉलेज पत्तों की है, वहाँ पे हमने टीचर्स की ट्रेनिंग करवाई है, बाकी जो स्कूल्स हैं उनकी टीचर्स की करवाई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर जो लोग नए पढ़ के आते हैं उनके टीचर्स ट्रेनिंग की करवाते हैं यहाँ पर, और हमने उनको आगे फिर अच्छे इदारों में रेफ़र करते हैं। और जहाँ पर भी हमने अब तक 3 से 4 हमने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में अपने वो भेजी हैं टीचर्स, और उनकी हमसे और की डिमांड आई है, लेकिन और हमारे पास क्योंकि बंद था, हमारे पास कोई ऐसी अवेलेबल नहीं थी वैकेंसी, या वो स्टाफ अवेलेबल नहीं था, तो हम वो माजरत कर चुके हैं। अब हम इसको स्टार्ट ले रहे हैं, इंशाल्लाह इसको हम मज़ीद तैयार करेंगे। और उसमें हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह ये भी होता है कि आप अपनी 1 साल की सीनियर टीचर से इसका कंपेरिजन कर लें, क्योंकि मेयर क्वालिफिकेशन इज़ नॉट वर्किंग फॉर टीचिंग। उसके बाद हमने रेगुलर सेशंस किए हैं और रूटीन इश्यूज जो हमारे सोशल इश्यूज हैं ये ज़्यादातर हमने गवर्नमेंट ई लाइब्रेरीज में किए हैं। ये हमने 6 किए थे और तकरीबन 300 लोगों को हमने इसके ऊपर ट्रेनिंग्स दी हैं, अपने ख्यालात का इजहार किया है, और उनके साथ ही हमने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। 8 लोग वो हैं जिनकी मैंने अभी बात कर रहा था, जिनको हमने जॉब इस कोविड की सिचुएशन में की है, जब लोग जॉब खो रहे थे तो हमने ये टीचिंग में, सेल्स एंड मार्केटिंग में और अकाउंट्स में, ये उन कंपनीज पे हमने इनको एडजस्ट करवाया जो हमारे से ट्रेंड थे, कि जहाँ पे आम रूटीन के अंदर लोगों को निकाला जा रहा था। उसके बाद हमने कोई सोशल इश्यूज के ऊपर, FM के ऊपर, ये तो खैर हमारा कोई साल से पहले का प्रोग्राम चल रहा था, कुछ 20 प्रोग्राम्स किए हैं, जिनमें से कुछ तकरीबन 15 एक शख्सियत यहाँ पर बैठी हैं, नदीम मकसूद जाफरी साहब, इनके साथ FM 92 पे किए हैं, और एक और हमारे दोस्त हैं वो तशरीफ़ नहीं ला सके, 5 से 6 उनके साथ किए FM 105.4 में उकाड़ा में, ये हमारे मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर हमने किए हैं। इंडिविजुअल कंसल्टेशंस के ऊपर हमने 5 मेजर हमारे टॉपिक्स थे जिनके ऊपर हमने ज़्यादा वर्किंग किया। 1 हैप्पी मैरिजेस था, इनमें मैं ये भी मेंशन करूँगा कि 3 हमारे पास इंस्टांस ऐसे आए जहाँ पे डाइवोर्स तक सिचुएशन चली गई थी छोटे छोटे इश्यूज़ की वजह से, और वो हल अल्हम्दुलिल्लाह आज वो आपस में वैसे ही हैप्पी तरीके से वो अपना उनका आपस में बॉन्डिंग है। सिर्फ अना मिसकंसेप्शन छोटे छोटे इश्यूज़ थे जो शायद वो एक दूसरे से शेयर नहीं करना चाह रहे थे। ये भी एक प्रॉब्लम होती है ना हम, कि अगर बाप से प्रॉब्लम होती है तो हम बाप से शेयर नहीं करते, किसी और से जाके करते हैं। तो ये इस तरह के इशूज़ थे। स्ट्रेस के ऊपर हमने किए, हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ के ऊपर किए हैं, गुड पेरेंटिंग के ऊपर किए हैं, और बेस्ट वे टू स्टडी ये स्टूडेंट्स के लिए थे, इनके ऊपर हमने किए हैं कि क्रैमिंग और लर्निंग में फ़र्क क्या है। ये हमारा मेन था कि क्रैमिंग से आप एक चीज़ें वक्ती तौर पर जहन में डाल तो सकते हैं, और अब तो इदारों ने और आसान कर दिया है, ये टर्म सिस्टम और सेमेस्टर सिस्टम इतना का पढ़ लो, रट्टा लगा लो, उसके बाद ये गए इससे अगला शुरू हो गया, ऐसे ही है सर। तो इससे हमारा जो एजुकेशन का जो लेवल है वो बहुत नीचे आया है। तो काफ़ी टाइम मैं आप लोगों का ले चुका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अगेन कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए, मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है। बाकी ये इदारा आपका इदारा है, आप जब चाहें यहाँ विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
Potential Award winner, a poet, as well as the principal of Government Postgraduate College. Sir, please come on the stage and share your feelings. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। मुअस्सस मेहमानान गिरामी, असातिज़ा, तलबा और सामईन मुकर्रम, मोरालिटीज नाम बड़ा दिलकश है और इसमें मुसबत अकदार की झलक जो है वो मुनक्स होती है। जनाबे मोहतरम एजाज अली साहब, उनसे पहली मुलाकात है, पहली मर्तबा उनको सुना है, लेकिन सच्ची बात यही है कि उनकी बातें बहुत मुसबत हैं। जिस तरह हमारा दौर जो है वो मशीनी दौर होता जा रहा है, उसी तरह हमारे मसाइल जो हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। इकबाल ने फरमाया था, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। और ये मशीनों की हुकूमत जो है ये बढ़ती जा रही है। नाउ वी आर लिविंग इन ए वर्ल्ड विच इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कम्प्लेक्स एंड मिस्टीरियस। वी हैव टू फेस मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स। ज़हनी मसाइल हैं, जिस्मानी मसाइल हैं, तालीमी मसाइल हैं। इसके लिए यकीन करें कि अभी हमारे सामने चंद नाम हैं मोटिवेटर्स के, और आप देखेंगे कि जिस तरह मसाइल बढ़ रहे हैं, इसकी हमें मज़ीद एक एजुकेटेड लॉट की ज़रूरत है, जो लोगों के ये तमाम मसाइल जो हैं उनको एड्रेस कर सकें। मसाइल बहुत हैं। वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक मशहूर शेर आप पढ़ते हैं, सिलेबस में भी है गालबन फर्स्ट ईयर में, द वुड्स आर लवली डार्क एंड ग्रीन बट आई हैव प्रोमिसज टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। बाकी इन्होंने जो बातें की हैं, सच्ची बात है कि दिल से निकली हुई बात दिल में उतर जाती है। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज उकाड़ा में, बड़ी दिलचस्प बात है, दाखिले के लिए जब अप्लाई किया एज ए स्टूडेंट, तो बाकी तमाम बच्चों का दाखिला फॉर्म क्लियर हो गया और मेरा एक का रह गया। ये बात है 1980 की, जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत नई नई आई थी। मैंने अपने भाई को बताया कि मैं चूंकि साहिवाल कॉलेज से पढ़ के आया था FSC करके, मैंने कहा उकाड़ा कॉलेज में मैंने फॉर्म जमा कराए हैं, मेरा नहीं निकला, बाकी सारे बच्चों का। वो भाई जानते थे और गवर्नमेंट कॉलेज उकाड़ा के क्लैरिकल स्टाफ के दो रुकन उस दौर में होते थे, मियाँ मुनीर और काजी साहब, बड़े खुश अखलाक, तमाम असातिज़ा के दोस्त, तमाम स्टूडेंट्स के दोस्त। मेरा भाई कहने लगा उनकी ऐसी की तैसी काजी की और मनीर की कि वो आपका दाखला नहीं करेंगे। जब हम गए तो बड़ी दिलचस्प बात हुई, वो मनीर साहब काजी साहब पहले तो हंसते ही रहे, वो कहने लगे मेरे भाई को कि ये आपका भाई है, हमने इसको दाखला इसलिए नहीं दिया कि गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल छोड़ के बंदा उकाड़े आ रहा है और इसने दाढ़ी भी रखी हुई है, कद भी इसका बड़ा है और इसने बालों की चीर भी निकाली हुई है जैसे जनरल ज़ियाउल हक निकालते हैं। तो हमने कहा ये बंदा किसी मिशन पर आया है, ख़तरनाक है। उस दौर में यूनियंस होती थी तो इसलिए हमने इनका फार्म एक तरफ रख दिया। तो बहरहाल दाखिला तो मेरा हो गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी कॉलेज का मैं प्रिंसिपल हूँ। बड़ी अच्छी एजाज साहब ने, सच्ची बात है, बातें की हैं और ये हकीकत है कि हम पॉजिटिव पहलुओं को बहुत कम देखते हैं, खुद ही मसाइल पैदा करते हैं और ख़ुद ही परेशान होते रहते हैं।
तो सबसे पहली बात, मैं लंबी बात इंशाल्लाह नहीं करूँगा, कोशिश करें सब्र और इस्तकामत और बर्दाश्त के साथ ज़िंदगी बसर करें। मैंने अपनी ज़िंदगी में जिस असूल को सबसे ज़्यादा अपनाया है वो है नर्म दिली, सब्र और बर्दाश्त। कोशिश की है कि मेरी वजह से किसी को कोई मसला ना बने। और मेरे ये गांव के खालिद साहब बैठे हैं, अब्दुल मजीद साहब बैठे हैं, जो मुझे हमेशा से जानते हैं, हर जगह मैंने सुलह की कोशिश की है, मोहब्बत की कोशिश की है, लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश की है। और मेरे पिछले प्रिंसिपल कहा करते थे, आपको कॉलेज में हमने सुलह कराने के लिए रखा हुआ है, अगर प्रोफेसर आपस में लड़ पड़ें, क्लर्क लड़ पड़ें, तो हम कहते हैं रज़ाउल्लाह साहब सुलह कराते। देखें, इसमें यकीन करें हमारी रूह भी खुश होती है, दिल भी खुश होता है, वरना सिर्फ एक ज़ुबान से निकली हुई गलत बात, वो मशहूर शेर है मीर तकी मीर का, ले सांस भी आहिस्ता के नासुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशा गरी का। ये शीशे की बनी हुई हमारी ज़िंदगी का नेटवर्क है, एक हमारा गलत उठा हुआ कदम और हमारी ज़ुबान से निकला हुआ एक गलत फिक्रा जो है, ये सारे शीशे के नेटवर्क को तहस नहस कर सकता है। तो इसलिए खुद भी खुश रहें नरमी से, मोहब्बत से, बर्दाश्त से, और दूसरों को भी खुश रखें, यही मेरा पैगाम है। और इंशाल्लाह अब मोरालिटी से हम राबता रखेंगे, और कॉलेज में अल्लाह करे ये कोविड का मसला कुछ हल हो जाए, हम मसीद इनको मौका देंगे, ये तो हमारी ज़रूरत है, हमारे तमाम बच्चों की, स्टूडेंट्स की और टीचर्स की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया इंतज़ामिया का एक मरतबा फिर, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, for your kind words. So, it's a time to invite our guest of honors. First of all, I warmly welcome to Mr. Ghulam Dastagir, Assistant Director, Admin, District Educational Authority, Ukarno. Please, sir, come on the stage and share your views. Bismillahir Rahmanir Rahim. Idara Haza ke CEO Janab Ijazari Sahab, जनाब प्रोफेसर रज़ाउल्लाह हैदर साहब प्रिंसिपल, तो और मैं सामईन, मेरा ये इस इदारे में पहली दफ़ा मैं इसमें आया हूँ। वैसे ई लाइब्रेरी में हमने भी बहुत सारे अटेंड किए हैं और वहाँ प्रोग्राम करवाए भी हैं, तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो शायद मुझे भी यहाँ काफ़ी अरसा हो गया है, तो उकाड़ा में मैंने ऐसा कोई अदारा नहीं देखा। तो सबसे पहले तो मैं इजाज़ को इस पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि इन्होंने उकाड़ा जैसे शहर में जहाँ पहले कोई अदारा नहीं है, पायनियर के तौर पर ये इन्होंने इस अदारे की बुनियाद रखी है, तो इनको भी मुबारकबाद देता हूँ, इनकी टीम को भी मुबारकबाद देता हूँ। तो दूसरी खुशी ये हो रही है, मेरे ख्याल के मुताबिक आपकी कामयाबी में दो अशखास जो होते हैं वो आपसे जेलस नहीं होते कभी भी ज़िंदगी में। एक तो आपके वालदैन हैं, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा मुझसे आगे बढ़े और मुझसे ज़्यादा तरक्की करे, और दूसरे आपके असातज़ा होते हैं। उस्ताद कभी भी अपने बच्चे को ये बददुआ नहीं देता कि ये मुझसे कमतर रहे, बल्कि उस्ताद कोई भी होता है वो अपने बच्चे को, इसी शागिर्द को, बच्चे से मुराद बच्चे ही होते हैं उस्ताद के पास होते हैं, तो वो इस अंदाज से पढ़ाते हैं, इस अंदाज की दुआएं देते हैं कि ये मुझसे बेहतर बने, और फिर उसके ऊपर प्राउड करते हैं। तो मैं दोबारा इजाज़ का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इसके ऊपर प्राउड भी करता हूँ कि इसने एक मोटिवेशनल स्पीकर बना है और लोगों को खुशियाँ या उनकी जो है वो एक ग्रूमिंग कह लें, और इसके अलावा उनकी जो परेशानियाँ हैं, उनके मसाइल हैं, उनका हल दे रहे हैं ये, तो अल्लाह ताला इनको इसमें ज़्यादा कामयाबियाँ दे और ये ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हों। तो
इसी दुआ के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट सैयद नदीम मकसूद जाफरी, पैट्रन इन चीफ अल खिदमत वेलफेयर काउंसिल एंड सोशल एक्टिविटीज। सर प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड से सम लाइंस। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आकायद उजान सरवरे कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आल की आपकी। सामने महफिल, आज मेरे लिए भी बड़ी अच्छी खबर है, चूँकि हमने मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि अदना सा ज़िला उकाड़ा के एक छोटे से तहसीर नालापुर से मेरा ताल्लुक़ है, और पूरी मैं कोशिश करता हूँ कि मुझसे जो बन पड़े वो मैं करूँ। तो ये 30 साल का सफ़र जो है वो भी मैं इजाज़ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यहाँ कम से कम 40-50 लोग तो बैठे हैं सुनने वाले, तो मैं बोल 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 के 30 साल हो गए कि सुनते ही नहीं। तो लेकिन मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरा ये सफ़र जारी रहेगा भावें कोई बोले तो ना बोले। लेकिन जो मैं बात कहने जा रहा हूँ वो बड़ी अहम बात है कि अगर हम अपनी औलाद को भी आने वाले वक्त के लिए और जो हमारा पिछला वक्त गुज़रा है उसके हवाले से अपनी औलाद को भी नहीं बता के जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि हम बखील साबित होंगे। अगर मेरे बच्चे को ये नहीं पता कि मैंने सदका किसको देना है, किसको लगता है, कब देना है और क्यों देना है, तो ये मेरे लिए बड़ी बड़ी शर्म की बात होगी। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ़र्ज़ हैं, लेकिन उन सब में से जो बड़ा फ़र्ज़ है, जो काम इजाज़ करने जा रहे हैं, वो वही फ़र्ज़ है कि हम अपनी औलाद को कम अज़ कम, अब देखें दिए से दिए जलाने का मकसद क्या है, सिर्फ एक दिया जलाएं तो आप ये साफ दिल हो के जला दें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो दिए से दिए खुद ब खुद जलते जाएंगे। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपके कहा कि अगर मैं अपने बच्चे को भी नहीं बता के जा रहा तो मैं ये समझता हूँ कि वाकई ही मैंने कंजूसी की है, तो अगर वो एक मुआशरे का अच्छा फ़र्द बनता है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे ये बड़ी उम्मीद है कि वो मुआशरे में बहुत से अफराद जो हैं उसको देख के भी अच्छे बन सकते हैं। मैं मुझे याद है कि मैंने इजाज़ साहब के साथ 7-7 घंटे ट्रांसमिशन किए, रेडियो पे भी टीवी पे भी जाते रहे हम लोग, सोशल मीडिया से हमारा ताल्लुक है, प्रिंट मीडिया से हमारा ताल्लुक है। सलमान कुरैशी साहब हमारे चीफ एडिटर बैठे हैं, उकाड़ा का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े अच्छे लिखारी हैं। मुझे एक टाइम था, मैं सिर्फ 3 से 4 मिनट लूँगा आपके, तो मैं ये जो मेरा नाम और जिस मुकाम पर मैं हूँ ये ऐसे नहीं मिला, इसके पीछे एक बड़ी लंबी दास्तान है, लेकिन मुख्तसर मैं बताऊंगा कि जब मैंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया तो उस वक़्त बतौर तालिबे इल्म इस कलम ने मेरा साथ दिया, तो आप सुन के हैरान होंगे कि उस वक्त आज के दौर में और उस दौर में बहुत सा फ़र्क है। वो फ़र्क क्या था कि हम 40-40 सफ़ात लिखते थे आर्टिकल्स के, कुछ भी अखबारात में शाया करने के लिए तो सारी सारी रात गुजर जाती थी, उसको फिर एक सफ़े को तीसरे को फाड़ा जा रहा है, उसको फिर लिखा जा रहा है, उसके बाद फिर उसको नीट किया जा रहा है, फिर वो एक तरफ से लिखा जा रहा है। आज बड़ा आसान कर दिया, आप बैठे हैं, आप एक क्लिक पे एक दुनिया, आप पूरी दुनिया आपकी क्लिक पे है। लेकिन आप ये देखें कि उस्ताद मोहतरम यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने जो अपनी सुनहरी बातें जो हैं हम तक छोड़ी हैं, ये हमारे लिए ये पैगाम है। और मैं आज का जो पैगाम है वो नफ़रत को मोहब्बत से जीते, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले जो है हमें खुद एहतसाबी करनी चाहिए। तो जब मैं लिखता था तो सारी सारी रात गुजर जाती थी, जब मैं पढ़ता था तो भी इसी तरह गुजरती थी। तो ये जिस मुकाम पे इजाज़ हैं वो अपनी मेहनत पे हैं। आप यकीन जानिएगा, ये पत्तों किसे चलते थे तो उस वक्त मेरी ट्रांसमिशन जारी होती थी, तो ये रास्ते में बता देते कि जी मैं चल पड़ाऊँ, तो ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, मुझे इनके साथ भी बैठ के सीखने का मौका मिला। चूँकि अभी भी मैं तिफल मकतब हूँ और तालिबे इल्म की हैसियत से बस यही कहूँगा
कि खुशियां बांटिए, तकसीम करने का अमल सीख लीजिए और देख लीजिए तकसीम के बाद हमेशा ज़रब होता है। पूरी दुनिया की तारीख को एक तरफ रख दें, कुरान करीम फुरकान हमीद को बातरजमा पढ़ के देख लें, ना करें तो मुख्तसर करके देख लें। असातज़ा इकराम यहाँ पे बैठे हैं कि आप एक तकसीम करके देख लें, वो चाहे मुस्कुराहट हो। आप यकीन जानिए ये कुरैशी साहब हमारे काफ़ी सारे दस्तगीर साहब से मेरी बड़ी लंबी शनासाई है, बड़ा लंबा सफ़र हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट हेडकोआर्टर पर गुजारा है, तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सफ़र हैं। तो ये हमारा जो सफ़र है वो ऐसे नहीं है, उसके पीछे बड़ी सारी मेहनत दरकार है। मिसाल के तौर पे अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें किसी को खुशी देने की, अभी खुशी की भी बात हो रही थी, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान काम है अगर इंसान ये समझे कि अगर आप ये फ़र्ज़ करें कि यहाँ से आप निकलें बाहर, आपके सामने एक बुज़ुर्ग खातून है या कोई बुज़ुर्ग आदमी है, आप ये समझ सकते हैं कि उसके साथ चल के दो कदम चल के आप खुशी का मखलूँ, तो मकसद तो यही है ना। आप देखें ना सदका जारियों में भी ये सारी चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले अंदर खुशी की बात की थी कि अंदर से आपको खुशी निकलेगी कैसे, उसका तरीकाकार आप इजाज ने आपको बता दिया है। और इजाज साहब ने माशाल्लाह, मैं ये समझता हूँ कि जितना इन्होंने इलम हासिल किया और फिर उसको आगे तकसीम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती, छोटी सी बात नहीं है। हम लोग प्रोग्राम्स कराते रहते हैं, हम आदत से मजबूर हैं, 3 साल से कर रहे हैं और हर प्रोग्राम में हमारी कोशिश ये होती है कि ये 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, घंटा हमारे इन बच्चों को दें। ये वो बच्चे हैं जो 5वीं 8वीं मैट्रिक में पूरी तहसील रिनाला खुर्द के 70% नंबर हासिल करने वाले तुलबा तालबात होते हैं हमारे उस छत के नीचे, और ये ज़िला उगाड़ा में ये हमें एजाज़ हासिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम और फजल और शुक्र अदा करते हैं कि एक ही अदारा होगा, उम्मीद रखता हूँ कि जो हम इतनी बड़ी स्ट्रेंथ, 731 स्टूडेंट्स थे कोरोना के दौरान, 731 स्टूडेंट्स पूरी तहसीली नाला खुर से 5वीं 8वीं और मैट्रिक के, जिनको हमने अवार्ड्स दिए। और इस वक्त हमारे पैनल पे जो डॉक्टर्स हैं वो 97 है, 97 डॉक्टर्स जो हमसे अवार्ड याफ्ता है। अब उसका फीडबैक कैसा आ रहा है, हमें अभी कुछ दिन पहले हमने एक मेडिकल फ्री मेडिकल कैंप लगाया, कोरोना की वजह से सिर्फ 30 डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन हम कर सके और हमने इश्तहार और बैनर्स और पंफलेट्स ये वो 30, आप सुन के हैरान होंगे कि 63 डॉक्टर इन फ्री मेडिकल कैंप। किस वजह से कि आपने डिलीवर किया है, अब आपने डिलीवर करना है। आप ये देख लें कि मैं अब बिल्कुल वसूख से और जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आप आज ही करके देख, तकसीम करके देख लें। आप आने वाले 21 दिन में, इजाज साहब के पास मेरा नंबर है, आपको उसका फीडबैक ना आए तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे बात करता हूं। आप तकसीम का अमल शुरू कर दें, अल्लाह पाक आपको ज़रब करके वापस देते रहेंगे। उसकी क्या वजह है, उसकी भी वजह यही है कि ये वाइट शर्ट जो मैंने पहनी है ये कोई फन नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब है कि अंदर से भी ऐसी में हूं सफेद, तो फिर क्या होगा, फिर ये ही होगा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा जी बाल नहीं बने हुए जी, मेरा मुंह नहीं धुला हुआ जी, मेरी शर्ट भी ठीक नहीं है जी, मेरी वो जो मैंने चप्पल पहनी हुई है जी, मुझे बूट पहन के आना चाहिए था मैंने इजाज साहब के प्रोग्राम में, मेरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप यकीन जानिए कि हम बड़े मतलब वो करके अपने जहां पे भी जाते हैं, आप जाके किसी दिन सादगी से भी चले जाएंगे ना तो इंशाल्लाह अज़ीज आपका करेक्टर जो है ना वो ऐसा होगा कि आपको खुद ब खुद ही इज्जत एहतराम अल्लाह की तरफ से मिलेगी। क्यों कि आप खुद एहतराम कर रहे हैं। वालदैन की मोहब्बत अपनी जगह, कुफर के बाद सबसे बड़ा गुनाह है किसी इंसान की दिल आजारी करना, खा वो मोमिन हो या काफिर, तो इससे भी बचा कीजिए। तकसीम और दिए से दिया जलाना, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट ऐसी बिला वजह नहीं मिल जाती, आप करके देख लें आज ही। आपको रोजे से अफतारी से पहले पहले आप हंस के 2-4 लफ्ज़ वालदैन से, बहन भाई से, किसी से। आखिर पे बस इतना कहूँगा कि अगर इस रमज़ान मुबारक में आपसे कोई नाराज़ है तो उसको राज़ी कर लें।
क्योंकि जब तक वो राज़ी नहीं करेंगे अल्लाह आपसे राज़ी नहीं होगा। वह माए लेना Thank you so much, sir. Now I would like to call Mr. Salman Ahmed Qureshi, a columnist, District President, Human Rights Organization of Ghana. Please, sir, come on the stage and share your views. Bismillahirrahmanirrahim. सबसे पहले तो इस महफिल में मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे भाई ने जो यहाँ बात की थी कि शुक्रिया करना सीखें, तो मुझे यहाँ बुलाने पर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और जो मेरे सुनने वाले हैं जिनका मैं वक्त लूँगा, मैं बात शुरू करने से पहले उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। अब जहाँ यहाँ जो गुफ्तगू हुई है, मेरा तो खैर इतना इलम नहीं है, लिखने का शौक़ है उसके लिए थोड़ा बहुत पढ़ भी लेता हूँ। तो बड़ी बड़ी अच्छी हस्तियाँ बैठी हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि इस डिस्ट्रिक्ट में या इस शहर में मेरे नज़दीक अगर कोई सबसे अजीम शख्सियत है तो मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल और लोगों को नेकी की तरफ बुलाने वाले लोग जो बिला गर्ज ये काम करते हैं। अब मैं बात करता हूँ अपने शोबा के हवाले से, तो मेरा ताल्लुक मीडिया से, जो फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट है, हमेशा तनकीद की जद में रहता है। मैं खुद भी इस पर तनकीद करता हूँ। उसकी कुछ वजूहात हैं। मेरे कॉलम्स का मजमूआ शाया हुआ था रेडीमेड सहाफ़ी के नाम से। देखें, इस नाम को रखने का मकसद था कुछ, और मुझे जब ये नेशनल चैनल्स पे चला तो कराची से इस्लामाबाद तक मुझे कुछ लोगों ने कॉल्स भी की, और उनका एक ही क्वेश्चन था, ये नाम आपने क्यों चुना और ये बड़ा खूबसूरत है। बात की है सीखने की, तो सर सीख के ही इंसान कुछ बनता है। गोद से लेकर लहद तक ये अमल चलता रहता है। लेकिन मेरे शोबे की बदकिस्मती कि यहाँ रेडीमेड शॉर्टकट रास्ता ज़रूरी है। मैं आज भी सीखता हूँ और आप लोगों के दरमियान हूँ। यहाँ आने का मकसद भी सीखना था, जो आपकी खूबसूरत बातें सुनी। आप लोग भी इसी जज्बे से आए हैं, तो नॉलेज तो इसी तरह मिलता है, मेहनत से ही मिलता है। दूसरी बात खुश रहने की, कि खुश रखा करें, खुश रहें, ये बिल्कुल एक मुश्किल काम है। मैंने ये खुशी सैयद नदीम जाफरी के चेहरे पे देखी है। उसकी वजह, जब कोरोना आया तमाम कंट्री बंद था, लॉकडाउन था, ये मेरा भाई उस वक्त भी अकेला लगा रहा, बल्कि मैं इनसे मजाक करता था कभी कभी कि सर आप खुद भी मुश्किल में डालते हैं और मुझे भी डालते हैं। इनको देख के मुझे भी शौक हुआ और मैं इनके प्रोग्राम में हमेशा कोशिश की, मैं रिनाला पहुँचता हूँ इनके साथ। एक बात मैं और करता चलूँगा मीडिया के हवाले से, जो मुआशरा में है रिपोर्ट करेगा। मीडिया खुशी नहीं बांट सकता, अच्छी खबर नहीं देता, क्योंकि अच्छा चल नहीं रहा, अच्छा है नहीं, हमारे हालात अच्छे नहीं हैं। लेकिन जो इजाज भाई जैसे दोस्त या नदीम जाफरी जैसे काम करते हैं, उनको तो हम कवरेज दे सकते हैं। मैं उसकी तशहीर करता हूँ। कुछ लोग उस पर भी इतराज़ करते हैं कि ये मुनासिब नहीं है, नेकी की तशहीर नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ ये तशहीर बराए तरगीब है, इससे मुझे तरगीब मिली है। हो सकता है कि ये प्रोग्राम लाइव चलता है, किसी जगह पे प्रिंट होता है, तो लोगों को मोटिवेशन मिलती है। यही मकसद है ना सर हमारा। तो सर हर वक्त जो तशहीर होती है उसका मकसद अपनी कोई ज़ाती प्रोजेक्शन नहीं है, तो तशहीर बराए तरगीब। सर मेरा सहाफत में यही मैसेज है कि हमेशा उसको आप खबर ना समझें जो कोई स्कैंडल है। यही प्रॉब्लम है कि हमारे मीडिया में, प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, बड़ा उसको ही समझा जाता है जो बड़ा स्कैम या स्कैंडल सामने लाता है। खुशी की खबरें, क्योंकि ना स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं ना कल्चर प्रमोट हो रहा है, तो भाई मीडिया तो वही रिपोर्ट करेगा जो मुआशरे में है। तो इजाज़ साहब, मैं इस महफिल में आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे शोबा को भी आपकी बड़ी ज़रूरत है, हमें भी मोटिवेट आप करें। और ऐसे प्रोग्राम, ऐसी महफिलें अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, सजती रहें। अल्लाह ताला हम सब को और अक़वामे आलम को इस कोरोना वबा से महफूज रखे। इस दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकअल्लाह। Thanks a lot, sir. Now, I would like to call Mr. Abdul Majeed Chaudhary, Chairman Property Dealer Association, Tehsil Ughara. Please, sir, come on the stage and share your views.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम ने दोस्त जिहड़े वलियां जैसियां सिफतां रखते ने, जिहड़े कुछ जिन्हां अल्लाह पाक ने दिता होया वो अगे वंड रहे ने, ते इन्हां तो ज़्यादा अजीम लोग साढ़े नज़दीक नहीं ने, क्योंकि इस गए गुजरे दौर दे विच कोई आदमी भी टाइम नहीं दिंदा किसी नूं, ते ये इन्ने अजीम दोस्त ने जिहड़े लोगों की ज़हनी रूहानी जिस्मानी तरबियत करते ने, ते अल्लाह पाक इन्हां नूं सिखाउण दी सानूं सिखण दी तौफीक देवे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। नाउ आई वार्मली वेलकम एंड इनवाइट मिस्टर खालिद महमूद चौधरी, द डायरेक्टर ऑफ द रौली स्कूल अरहमान कैंपस उकाणा। प्लीज सर कम ऑन द स्टेज एंड शेयर योर व्यूज। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك على رسول الله وسلم عليك على حبيب الله۔ میں سب سے پہلے تو جاز صاحب کا بہت شکر گزار، انہوں نے مجھے یہاں پہ موقع دیا، اور اپنے معزز مہمانان گرامی، خصوصی طور پہ میرے استاد محترم جناب رضا اللہ حیدر صاحب اور جناب دستگیر صاحب، غلام دستگیر صاحب، ان کی آمد کا شکریہ، تمام جناب فردن فردن صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رضا اللہ صاحب کا اور میرے غلام دستگیر صاحب دوست احباب ہیں، ان کی میرے آج ان کی تشریف آوری کا میری دلی خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ میں ہم لوگوں نے میں 14L سے بلانگ کرتا ہوں، سر بھی وہیں پہ بلانگ کرتے ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں جن کو دیکھ کے ہم نے جینا سیکھا ہے، اس لیے میں یہ میرے لیے ایک باعث فخر باعث عزت کہ آج میں ان کے سامنے کھڑا ہوں۔ ہم نے ان کو کاپی کیا ہے، ہم نے ان کے خواب دیکھے ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں، ان کو بولتے دیکھ کے بولنا سیکھا ہے، یہ وہ شخصیت ہیں۔ جب یہ کمنٹری کرتے تھے جس طرح یہ سافٹ ٹاکر ہیں، یہ ویسے سافٹ ہارٹڈ بھی ہیں، یہ میرے لیے ایک بڑی اعزاز کی بات، فخر کی بات۔ میں اس فخر کا اور اس عزت کا میں اظہار ضرور کرنا چاہوں گا، سر کا شکریہ، آمد کا شکریہ۔ اچھا، دوسری بات معزز سامعین، یہ جو جس طرح سر فرما رہے تھے، ویسے تو جتنی علمی اور ادبی باتیں ہو چکی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ مزید گفتگو کی ضرورت ہے، مگر کیونکہ موقع دیا گیا ہے، میں شارٹ سی میں بات کرنا ضرور چاہوں گا۔ مشینی دور ہے، مسائل زیادہ ہیں، وسائل کم ہیں، اس میں ایک مسئلہ تو ضرور آ رہا ہے کہ ہم ان مسائل کو ہم نے ایڈریس کس طرح کرنا ہے۔ جیسے جیسے مسائل بدلے ہیں، ان کے ایڈریس کرنے کا طریقہ کار بھی بدلا ہے، مگر ان کو کیسے ہینڈل کرنا یہ بڑا مسئلہ ہے، ان کو ایڈریس کیسے کرنا بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ مسائل انڈیویجول بھی ہو سکتے ہیں، کلیکٹیو بھی ہو سکتے ہیں، ایک فرد کے بھی ہو سکتے ہیں، ایک ایسوسیشن کے بھی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے، جیسے ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس کے مسائل مختلف ہوتے ہیں، ان کے پرابلمز مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح ایک باپ کے لیے اس کے بچے کو ہینڈل کرنے کے مسائل ہیں، ایک بچے کو اپنے باپ سے کس طرح انٹریکٹ کرنا ہے اس کا اپنا مسئلہ ہے، ایک ٹیچر کے لیے اس کا بہیویئر ٹورڈ اسٹوڈنٹس ایک علیحدہ سے ایک پرابلم ہے، کیسے کرنا ہے یہ ایک علیحدہ سا ایشو ہے۔ اسی طرح کریکٹر بلڈنگ ہے بچے کی، بینگ اے ٹیچر ہمیں سب سے زیادہ پرابلم، ایک باپ ہونے کے ناطے کریکٹر بلڈنگ بچے کی کیسی ہونی چاہیے، کانفیڈنس بلڈنگ کیسا ہونا چاہیے، یہ مسائل ہمیں فیس کرنا پڑتے ہیں، ان کو یہ وہ چیزیں ہیں جو ذمہ داریاں بھی ہیں ہماری، مگر کرنا کیسے یہ ہمیں نہیں پتا۔ اپنے باپ سے دور ہو رہا ہے یا ایک باپ اپنے بچے کو ایڈریس نہیں کر پا رہا ہے، پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے، وہ ریزننگ کیا ہے، اس کے پیچھے کازز کون کون سی ہیں، اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ ہم اتنا جانتے ہیں ایک باپ کو پتا ہے کہ میں نے اپنے باپ کو بچے کو کہنا ہو چل پڑھ دے آگے، بس اتنا پتا ہے اسے، یا اس کو یہ پتا ہے کہ اس کے میں نے اس کی فی ادا کرنی، اس کا یونیفارم صاف ستھرا ہونا چاہیے، اس کی کھانا پینا ہونا، بٹ اس کے جو اصل مسائل ہیں اس کے ہمیں نہیں پتا علم ہوتا۔ تو اس کے لیے میں نے ابھی اعجاز صاحب کو میں سنتا ہوں،
रेगुलरली सुन रहा हूँ। अभी शुरू तो मैंने रिसेंटली किया था, जब से किया रेगुलरली सुन रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है इन तमाम मामलात को जो है वो एड्रेस किया जाता है। मोरालिटीज़ ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इन तमाम मसाइल का हल मौजूद है। एजाज अली साहब जिस खुशरूबी से, जिस खूबसूरती के साथ इन तमाम मामलात को एड्रेस करते हैं, ये आप जब इंटरेक्ट करेंगे तो आपको भी उसका अंदाज़ा होगा। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि मोरालिटीज़ को आप ज्वाइन करें, मोरालिटीज़ के साथ इन कॉन्टेक्ट रहें, आपको बहुत सारी चीज़ों के मसाइल के हल आपके सामने, आपके डोर स्टेप के मौजूद होंगे इंशाल्लाह ताला, बिकॉज इट्स अ नीड ऑफ नॉट ओनली आवर सेल्फ बट आल्सो आवर सोसाइटी। मैं इसी दुआ के साथ कि ये इदारा भी सर ने बहुत एफर्ट की है, मैं ज़ाती तौर पे समझ रहा हूँ, पिछले 2 माह से उन्होंने बहुत एफर्ट के साथ ये प्रोग्राम अरेंज किया है, अल्लाह ताला इस इदारे को जो है वो दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फरमाए, और अल्लाह करीम हमें हम सब को आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए और आसानियाँ खलके खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Now I would like to call our last, but not the least, Ms. Asma, the principal of Educator School, Al Aleem Campus 2, Ukhaada. Please, ma'am, come on the stage and share your feelings. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum to all of you. Jis waqt yahan baat ho rahi thi, to main apne zehen mein mukhtalif अल्फाज की एक तरतीब दे रही थी कि मैं इस मौजू पे बात करूंगी, इस मौजू पे बात करूंगी, लेकिन मुझसे पहले आने वाले तमाम स्पीकर्स ने इस तरह से मुझे लगा जैसे मेरे वो तमाम लफ्ज़ मुझसे लेके यहाँ पे आप लोगों से शेयर कर लिए। लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा सा टाइम लूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक है और अल्लाह ताला आप और मुझ समेत हम सबको इस बाबरकत महीने की बरकतें समेटना नसीब फरमाए। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो वालिदैन उसको उसकी खुराक, उसके लिए अच्छी रिहाइश, हर चीज़ देते हैं, लेकिन जो चीज़ वो सबसे पहले उसको देते हैं वो होता है उसका एक नाम, एक पहचान। नाम बच्चे का वालिदैन की तरफ से सबसे पहला तोहफा है, जिसके असरात उसकी ज़िंदगी पर भी होते हैं, और वही नाम आगे चल के वालिदैन के लिए फ़ख्र का भी बायस बनता है। यहाँ पर मैं इजाज़ साहब को सबसे पहले ये कहूँगी कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म का जो नाम सेलेक्ट किया, मेरी नज़र में वो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, एक ऐसा आइडिया जो मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले कहीं पर भी आया। सेकेंडली, हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है, वेरी ऑब्वियसली कोविड ने हर सिस्टम को डिस्टर्ब किया, लेकिन जहां हम इसके बहुत से नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, वहां अगर हम गौर करें तो हमें एक चीज़ वो मिली है, जब हम एक छत के तले एक बाप अपने बच्चों के साथ बैठा है, अदरवाइज़ सारा दिन एक आदमी की रूटीन इस तरह से रही है कि वो अपने बच्चों को सिर्फ गाइड तो कर सकता है, उसकी रिपोर्ट कार्ड को चेक तो कर सकता है, लेकिन उसे टाइम नहीं दे सकता, एक छत के नीचे बैठ नहीं जाता उससे। कोविड ने हमें ये दौर सिखाया, ये चीज़ सिखाई कि एक बाप अगर अपने बच्चों के साथ बैठता है तो ये जो माशरे की इतनी बेहरादवी है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, वो कभी भी नहीं आते। क्योंकि ऐसे नहीं कहा गया कि माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह है, इसमें बाप का किरदार भी सबसे अहम है। जब बाप बच्चे को टाइम देगा, जो घर से हमारे बच्चे की बुनियाद होगी वही उसकी असल पहचान होगी। लेकिन इस माशरे में, इस तेज़ रफ्तार तरक्की याफ्ता मशीनी दौर में जो जो मसाइल आए, इसमें हमारे यहाँ मेरी नज़र में तमाम स्कूल्स में एक काउंसलर की सीट होनी चाहिए, जो बच्चों के नफ्सियाती मसाइल को हल करे, उनके प्रॉब्लम्स को शेयर करे, ताकि वो अपने नफ्सियाती मसाइल को कंट्रोल करके एक अच्छा इंसान बने।
ना कि वो एक नंबरों की दौड़ जिसमें आजकल हम लोग भाग रहे हैं और अपने बच्चों को भगा रहे हैं। और इस चीज़ का एक अमली सबूत इजाज साहब के बच्चे भी हैं जिनको वाकई नंबरों की दौड़ में उन्होंने शामिल नहीं किया और वो उनकी एक बहुत अच्छी तरबियत कर रहे हैं, एक उनकी बुनियाद बना रहे हैं और अल्लाह ताला उनको इस मकसद में कामयाब करे कि वो लोगों की सिर्फ सदका खैरात कर देना ही असल नेकी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी नेकी है जिसका इन्होंने कदम उठाया है। तो बहुत शुक्रिया इजाज़ साहब, अल्लाह ताला आपको और आपकी टीम को बहुत सी तरक्की दे और इंशाल्लाह हम सब लोग इस टीम का हिस्सा बने और इसको आगे लेके चले। जज़ाकअल्लाह। Thank you so much, ma'am. So, now we will present the awards to our guest of honors. I again request to Sir Ejaz Ali and Mr. Ghulam Dastagir to please come on the stage and present the award to our guest of honors. First of all, I request to Sayyid Nadeem Maqsood Jafri to please come on the stage and receive your award. Now I would like to call Mr. Salman Ahmed Qureshi to please come on the stage and receive your award. Now I'd like to call Mr. Abdul Majid Chaudhry to please come on the stage and receive your award. Thank you, sir. Now I would like to call our chief guest, Professor Azaullah Haider, to please come on the stage. So I would like to call Mr. Khalid Mahmood Chaudhry to please come on the stage and receive your award. Ms. Asma, to please come on the stage and receive your award. Now we like to call Mr. Ghulam Dastagir to please come on the stage. Now I would like to invite my co-host, Ms. Faiza, to please come on the stage and join me. Give a big round of applause for Ms. Faiza. Assalamu alaikum to all of you present here. Now it's time to be present the award to our chief guest. So I again request to Sir Ghulam Dastagir to please come on the stage and present award to our chief guest. Thank you so much, Professor Azaullah Haider and Sir Ghulam Dastagir. Please have a seat, sir. Ji, thank you.
Now we will present the certificate to our best volunteers. First of all, I would like to call Mr. Abdul Rahman to please come on the stage and receive your certificate. Now I would like to invite Mr. Khalid Mahmood, please come on the stage. Next, I would like to invite Ms. Taiba to please come on the stage and receive your certificate, Best Volunteers. ये हमारे वो स्टाफ हैं जो मतलब विदाउट एनी आप कह लें कि कोई ग्रीड या लालच के ये हमारे मोरालिटीज़ के लिए ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं वॉलंटियर कैटेगरी के अंदर स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर. तो हमने इनकी अप्रिसिएशन के लिए जो हमारे टॉप के वॉलंटियर्स हैं उनको हम यहाँ पे ये अवार्ड दे रहे हैं. Now I would like to invite our best service provider Rana Muhammad Hassan to please come on the stage and receive your certificate. ये जब हम स्टार्ट करने लगे थे हमें लग रहा था कि बहुत मुश्किल होगा इतने टाइम के अंदर ये सारा कुछ मैनेज करना क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं था. तो ये इनके हमने राणा हसन साहब की खिदमात लीं तो इन्होंने माशाल्लाह से बहुत ही कम टाइम के अंदर ये सारा कुछ अरेंज करके हमें दिया. तो थैंक यू वेरी मच राणा साहब. Next, I would like to invite Mr. Salman Mahmood Qureshi. So please come on the stage and deliver the certificate. Now, I would like to invite Mudassir Nawaz. Come on the stage and receive our certificate. Iske baad aapka bolna hai. Now I would like to invite Ms. Alina to come on the stage and receive your certificate. Now I would like to invite my co-host Ms. Faiza to please come on the stage and receive your certificate. Thank you so much, sir. Please take your seat. I congratulate and appreciate our chief guest and best wishes for your next adventure. I sincerely appreciate and attention today this afternoon. Thank you so much for your interest and attention. I would like to thank the event organizer and express special thanks to our chief guest, speakers, volunteers. Thank you so much.